कृष्णा भक्तों, आपका मेरे चैनल अनंत भक्ति में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल कब है संकट चौथ, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ की तिथि, पूजा और शुभ मुहूर्त। अंक के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। संकट चौथ 2024 शुभ मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम पह 7:11 से सुबह 8:35 तक होगा। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक होगा। और शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 7:37 तक होगा। संकट चौथ 2024 चंद्रोदय समय माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 तक होगा। चौथ की पूजा विधि संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करें और उनकी भी मूर्ति रखें। गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली और अक्षत चढ़ाएं, फिर पुष्प, दुर्वा, मोदक आदि समर्पित करें। संकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं। ओम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अंत में संकट चौथ व्रत की कथा सुनें और आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर संकट चौथ व्रत संपन्न करें। चौथ व्रत का महत्व माताएं अपनी संतान को सुखी जीवन के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करती हैं। मान्यता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान की सभी कष्टों का दूर निवारण होता है और संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में
वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का स्नान, दान, उनके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है। तो भक्तों, आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। और अधिक ज्ञानवर्धक तथा जानकारी सभी प्रकार के हिंदू व्रतों, त्योहारों और उनके शुभ मुहूर्तों को जानने के लिए अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।